Assalamu alaikum, this is Talha. Welcome to Ipri Podcast. We have with us today a very special guest. We have Mr. Amir Ghori with us. Mr. Amir Ghori is a veteran journalist, a senior broadcaster, and a media executive. Mr. Amir Ghori requires no introduction. He is an award-winning journalist and a media manager. He has helped launch the News International in the year 1990. He has since worked with national media houses like Dunia TV, Dawn, ARY, and others. And he has also held senior positions in international broadcasters like the BBC. Mr. Amir, welcome to the show. Thank you very much for coming, sir. Sir, हमारे viewers के लिए, हमारी understanding के लिए, news का process समझाइएगा. क्या how do you generate a news report from its conception to जो final product हम TV पे देखते हैं या अखबार में देखते हैं उसके पीछे बीच में क्या process होता है? क्या process हुआ करता था पहले when things were better and now that we've reached this point, तो अब क्या होता है? इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनके 10 साल की हिस्ट्री है तकरीबन, गिव एंड टेक 10 साल की. व्हेन ज़ियाउल हक का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा था एंड नए न्यूज़पेपर्स खोल रहे थे, उससे पहले जो दो तीन न्यूज़पेपर्स थे उनकी लाइफ जो है उसके बारे में इस पर डिटेल में जाना आई थिंक वुड नॉट बी एडवाइजेबल. लेकिन चूँकि यही चैनल्स जो हैं, जो शुरू में चैनल्स बने, उनका आइडिया ये था कि बिकॉज दे थॉट कि इफ़ दे डू नॉट हैव मोनोपोली over this process of news producing and dissemination, तो at least उनका हक ज़रूर है कि वही जो है इन इस प्रोसेस को आगे चलाएं, चूँकि ये उनका कारोबार था. और उसमें सिर्फ ये हुआ कि उनका अगर सिर्फ मैं चार जो बड़े मीडिया हाउसेस थे, जंग ग्रुप है, डॉन है, नवाए वक्त था, और उसके अंदर आप कभी शामिल कर लेते हैं जो कराची बेस्ड एक दो न्यूज़ पेपर हैं, चाहे उनका फोकस जो है वो बिज़नेस है या उसके साथ रिलेटेड बाकी स्टोरीज़, तो उनका पूरा एक स्ट्रक्चर था. इसका मतलब है कि उनके जो ब्यूरोज थे बड़े शहरों में और फिर उनके डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे और इन सर्टन टाइम्स में उनके तहसील कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे. इस वजह से कि अगर पाकिस्तान को आप पिछले 30-40 साल से देखें तो हमारे पास रीजन्स जो हैं दे आर न्यूज़ प्रोड्यूसिंग रीजन्स और जो बाकी रीजन्स हैं दे आर न्यूज़ कंज्यूमिंग रीजन्स. तो लाहौर के अंदर खबर क्रिएट नहीं हो रही अनलेस कि वहाँ नवाज शरीफ जो हैं वो रहते हैं और अगर वो प्राइम मिनिस्टर हों या अपोजिशन लीडर हों, जरदारी साहब हैं, इमरान खान हैं आजकल फंस गया, लेकिन जो न्यूज़ प्रोड्यूस हो रही है वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही है, चाहे वो जो है फॉर्मर ट्राइबल रीजन्स और नाउ केपी के अंदर हो रही है, या थोड़ी बहुत न्यूज़ जो है वो समझ लें आप कराची में अगर वो बिज़नेस रिलेटेड है. तो पूरा जो स्ट्रक्चर है उस ज़माने में और वो कैरी फॉरवर्ड भी हुआ है कि यू हैव होल टीम जहाँ पे अगर फर्स्ट किया टेलीविजन की सूरत में देखें तो देर वुड बी यू नो अ वन पर्सन हु इज़ लीडिंग द चार्ज एंड देन उसके साथ उसके ब्यूरो के लोग हैं जो चला रहे हैं चार सूबों के अंदर बैठे हुए हैं और फिर उनके आगे उनका फैसला. ये चीज़ जो है ये बड़ी बुरी तरह टूटी है और विद इन यू नो फर्स्ट फ्यू ईयर्स. उसके अंदर आम तौर पर लोगों का ख्याल कुछ और है, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. लोगों का ख्याल ये है कि मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद मीडिया होना चाहिए, उनकी अपनी ओपिनियन थी और वो ये थी कि शायद एक ऐसे वक्त में जबकि दुनिया चेंज हो रही है और सोशल मीडिया जो है उसकी यानी आप समझिए कि आगाज़ था, तो उनका ये ख्याल था कि वो वक्त जो है वो मार्शल लॉज के लिए ठीक नहीं है. तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जहाँ पोलिटिकल पार्टीज़ और पोलिटिकल लीडर्स जो हैं वो दे हैव बीन ईदर सेंट इन टू एग्ज़ाइल और दे वर ऑलरेडी लिविंग इन सेल्फ एग्ज़ाइल, उनको तो जो है वो टॉकिंग पॉइंट्स उनके जितने भी हों उनको मौका नहीं दिया जाएगा. उसमें ये हुआ कि बाकायदा जिस शख्स ने भी अप्लाई किया कि हम मीडिया के अंदर आना चाहते हैं, उनका कारोबार कोई भी हो, उनको इजाज़त दी गई कि वो टेलीविजन जो हैं वो स्टार्ट करते हैं. और फिर इसी तरह हुआ कि एक छोटे से कमरे के अंदर एक स्टूडियो बना, किसी एक एंकर को हायर कर लिया, वो एंकर वही है जो मतलब मेजर ब्रॉडकास्टिंग हाउसेस के साथ काम कर चुका है या जर्नलिस्ट रहा है, और फिर वो अपने ताल्लुकात से मिनिस्टर्स को बुला लेगा और फिर ग्रीन रूम के अंदर आप उनसे मिलेंगे, इट विल एक्चुअली हेल्प देयर बिजनेसेस. तो उसमें यह हुआ कि सारे इस प्रोसेस के अंदर पिछले 20 साल में नाउ वी आर लिविंग इन एन एज वेयर देयर इज अ कैकोफनी ऑफ वॉइसेस एंड देयर इज कंप्लीट एंड अटर कैओस. ठीक है ना, ये नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर जो इशूज़ हैं वो डेवलप ना हो और आप एक ऐसे आदमी से पूछें कि IMF की डील क्यों नहीं हो रही जिसकी सारी ज़िंदगी जो है वो शायद किसी मजहबी जमात के साथ काम करते हुए गुजरी है. लेकिन हमारे यहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो टेलीविज़न पे नहीं आते और हमारे लिए इजी था कि सिर्फ पॉलिटिशियंस को बुला के उनसे आप इकॉनमी भी पूछें, उनसे रिलीजन पे पूछें, सोसाइटी पे पूछें. माय अपोलॉजीज़, आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर.
ये जो डिसीजन मेकिंग थी एडिटोरियल, ये एडिटोरियल चेक अखबार में या पब्लिकेशंस में एडिटर का है ऑब्वियसली, टेलीविजन में डायरेक्टर न्यूज़ की कॉल होती थी, ये अभी भी होती है टू सम एक्सटेंट. डू यू थिंक दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एडिटर हैज़ डिमिनिश्ड, जिसकी वजह से ये जो डिसीजन मेकिंग है बहुत पुअर होगी? ज़रा देखें, जो प्रैक्टिस है और जो थियरी है उसमें बड़ा फ़र्क है. मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अपनी रिसर्च से खुद देख लीजिएगा कि जो पाकिस्तान के बहुत सारे मेजर चैनल्स हैं उनके पास अब डायरेक्टर न्यूज़ नहीं है. नहीं, बिल्कुल ऐसे. बहुत सारे अखबार जो हैं उसमें एडिटर्स हैं. तो ये आपको कहना कि किसी का एडिटोरियल कंट्रोल था वो अब नहीं है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कैओस है, इट इज़ नॉट ओनली इन द न्यूज़ रूम. द कैओस व्हिच वी सी इन द सोसाइटी इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द न्यूज़ रूम्स एज़ वेल. तो हम ये कह रहे हैं कि हमने शाम को, चूंकि एक मुकाबला है, एक रैट रेस है, तो हमने ये नहीं करना कि हमारी इंडिपेंडेंट जो है पॉलिसी क्या होगी, हम वो कौन सी न्यूज़ है जिसको सिलेक्ट करेंगे और दिखाना चाहेंगे. नहीं नहीं, हमने ये देखना है कि दूसरे चैनल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है. और फिर उसके मुकाबले में हमने रेटिंग्स के लिए उसी से मिलता जुलता एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है. तो उस सूरत में मैं बता रहा हूँ कि जो आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बुक्स में बहुत अच्छी लगती है कि जो मीडिया है उसकी एक पॉलिसी होती है, उसके जो सारे लोग हैं वो ट्रेंड होते हैं, उसको उनकी अगर नहीं होते तो उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है. Those things are only found in books. और हमारे यहाँ जो books भी हैं, sadly, the other criticism, which is about the universities, वो सारा का सारा cut and paste knowledge है, ठीक है ना. वो जो बच्चे हैं वो उन terms को समझते नहीं हैं. जो visiting faculty है उसके अंदर पढ़ाने वाले लोग जो हैं उन्हें किसी meaningful level पर काम नहीं किया हुआ media में. लेकिन बहरहाल चूँकि economy कमज़ोर है, उनको बंदे चाहिए, तो काफ़ी है कि वो कहें मैं एक्स वाई जी चैनल के साथ काम करता हूँ या करती हूँ, और वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे. ऐसे सर, ये ऑन दैट नोट, हमने न्यूज़ की बात की, सिंस जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है वो न्यूज़ और प्रोग्रामिंग के बीच में स्प्लिट होता. हम जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अपनी देखते हैं, 7 to 11 जो एक पूरा मैराथन चलता है ऑफ द सेम टॉपिक्स एवरी सिंगल डे, और जो उसके पीछे बैक एंड कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जी कल देख लेंगे, कल जो हो रहा होगा उसके प्रोग्राम कर देंगे. यूजुअली ए बी सी कैटेगरी सारे चैनल्स पे यूजुअली यही हो रहा होता है. हम लोग इवेंट बेस्ड रिपोर्टिंग वर्सेस इशू बेस्ड रिपोर्टिंग में बिल्कुल ही फर्क है, वो भूल चुके. डू यू थिंक दैट वी हैव अडैप्टेड दैट थीम ऑफ जिंगोइज्म, और वो जो एक हूलिगन स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है, दैट we have do you think we have imported it from our neighbor, ya ye hamari collective national appetite hai isi tarah ki hai incidentally. Dekhiye neighbor ke program yahan chalte nahi hai, to agar aapne social media pe dekhe ho aur wahan pe jo hai wo Arnab Goswami jaise log baithe hain, exactly. Unka apna agenda hai. Hamare yahan us tarah ke jo hai lethal characters nahi hai bhi television pe, and for a good reason. Is wajah se ki hamara jo debate hoti hai usme expectation ye hai malkan ki bhi, aur अगर माल कहाँ की नहीं है तो बहरहाल जो वाइडर फ्रेमवर्क है उसमें यह है कि जो एंकर है वो सारा दिन अपने ताल्लुकात की वजह से तैयार होकर आया हो. उसमें जो प्रोड्यूसर है या जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है या उसके साथ जो टीम है, दे आर नॉट सपोज्ड टू नो कि आज डिस्कस क्या हो. दे आर नॉट एक्चुअली सपोज टू रन अ प्रोग्राम. देर इज नो स्टोरी बोर्ड एवरी डे. देर इज नो यू नो लाइन अप ऑफ गेस्ट. वो गेस्ट भी जो है वो तैयार किए होते पहले. या इस तरह अगर फर्ज के कमज़ोर चैनल हैं तो उसमें वो कहेगा यार मैंने ये आज डिस्कस करना है, ये नॉर्मल चीज़ है. अगर फर्ज किया मुझे को बुलाए और मैं प्रोड्यूसर से पूछूं क्या डिस्कस करेंगे आज शाम को, सर जो आज के मामलात हैं, उन्होंने कहा नहीं बीबी मेरे तो मामलात कुछ और हैं, तो मैं अपने मामला तो डिस्कस नहीं कर सकता ना. मुझे जब तक आप बताएंगे नहीं, आप बताएंगे नहीं कि क्या डिस्कस करना है. और अगर फर्ज किया जो सेगमेंट्स 3 होंगे उसमें हम एक ही इशू जो है उसको डिस्कस करेंगे, या देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ अदर इशूज. सो आई कम अक्रॉस as a person who has at least studied the subject, जिसने कोई तैयारी की. वहाँ जो लोग आके बैठते हैं, जो आपकी टेक्निकल टीम है उसका काम सिर्फ ये है कि कैमरा 1, कैमरा 2, मास्टर कैमरा, थैंक यू वेरी मच, ये दिस इज योर प्रोडक्शन लाइन आप. तो वो अगर फर्ज किया एंकर बड़ा है तो वो डेफिनेटली उसके पास एजेंडा है, और वो एजेंडा जो है और किसके साथ उसने डिस्कस करना है वो एजेंडा भी उसी के पास है. तो ये जो आप कह रहे हैं ना ट्रेडिशनल मीडिया, देयर इज नो ट्रेडिशनल मीडिया. सर पोस्ट मॉडर्न मीडिया, पोस्ट एडवेंट ऑफ टेलीविजन जो हमने देखा, इसमें इवन इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स इन द मुशरफ एरा देयर वाज अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस. प्रोग्रामिंग क्वालिटी होती थी, कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट हो रहा है कोई, जो 3 का भी पैनल, पैसे 3 का पैनल यूजली होता नहीं था पहले,
पहले थोड़ा पैनल छोटा होता था, 3, 5, 6, 7, 8 विंडोज बनी होती। क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसका डिक्लाइन बहुत स्पीड से होते हुए देखा इन द पास्ट फ्यू ईयर्स ऑन टेलीविजन स्पेशली। उसके बाद फिर एकदम से बॉम्बार्डमेंट ऑफ सोशल मीडिया हो गई है, तो देन द रैट रेस हैज मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड कि आपको अब इट इज़ नॉट जस्ट TRPs, इट इज़ नाउ मिलियंस ऑफ व्यूज दैट यू हैव टू गार्नर। तो उसके अंदर जाहिर है डिसीजन मेकिंग इज नाउ मोर इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड्स दैट। वेयर डू यू थिंक द रॉड स्टार्टेड फ्रॉम? क्वालिटी ऑफ डिस्कशन की डिक्लाइन बात कर रहा हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इफ यू अलाउ मी टू यू नो स्टार्ट फिकल, जिस माशरे में मॉडर्निटी नहीं आई वहाँ पे पोस्ट मॉडर्निटी डिस्कस करना बड़ा अजीब लगता है। लेकिन बार देखें, जिस वक्त आपने कहा जब टेलीविजन स्टार्ट हुआ था ना, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद ए वेरी गुड इंटेंशन द टेलीविजन विल यू नो डिलीवर इन दिस कंट्री व्हाट कुड नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू प्रिंट मीडिया। व्हाई? मेरा अपना अभी भी ये ख्याल है कि प्रिंट मीडिया इज मोर वाइब्रेंट देन आवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस वजह से कि उसमें जो ओपिनियन लिखने वाले लोग हैं, अगर फर्ज किया वो उर्दू में लिख रहे हैं या अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, या जो आपकी रीजनल जबानों के छोटे अखबार थे, तो उसमें जो जितना भी लिखा जा रहा था काम, उसके अंदर लिखने वाले जो हैं वो बाकायदा लिखने वाले थे। अच्छा, उसमें सिर्फ ये हुआ कि टेलीविज़न जब स्टार्ट हुआ तो हमारा ये ख्याल था कि वी विल लिव बाय द मॉडल विच वाज सेट बाय PTV, दैट वी विल एक्चुअली हैव अ हाइब्रिड मॉडल। तो वी विल डू वन और टू टॉक बेस्ड प्रोग्राम्स एंड देन बाकी विजुअल बेस्ड प्रोग्राम। लेकिन अ टेलीविजन मीन्स अ पिक्चर फ्रॉम अ डिस्टेंस, व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग इज वॉइस। ठीक है, तो अगर फर्ज किया पिक्चर प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी, यू हैव टू हैव वेरी डीप पॉकेट्स। लेकिन अगर फर्ज किया आपकी डीप पॉकेट्स जो हैं वो कोई एक प्रोडक्ट बनाने पर लगती हैं और उससे आप पैसे कमा रहे हैं, या आपने स्कूल कॉलेजेस खोले हुए हैं और उससे पैसे लगा रहे हैं और अपनी पोलिटिकल प्रोग्रेस के लिए और प्रेजेंस के लिए, देन यू क्रिएट मीडिया सो दैट यू बेसिकली सेट कीजिए हम मीडिया के अंदर भी हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है सो दैट यू कैन गेट क्लोज टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। तो उसके अंदर ये जो सारी बात थी ना कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं या क्या प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और मतलब जो देखें ट्रांजिशन जो टेक्नोलॉजी की है उसने तो विद इन 20 ईयर्स जो पावर है वो टेलीविजन से छीन ली है। अच्छा, उसके अंदर दरमियान में ये भी हुआ है कि बाज का हमारी हुकूमतें जिन्होंने ये कहा कि वो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं एंड दे बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन्होंने बाकायदा प्रेशराइज करके जो स्ट्रॉन्ग वॉइस थी उनको निकलवाया है। मालकान पर यह प्रेशर था जब तक ये लोग आपके TV पर रहेंगे दे वोंट बी इन बिजनेस। अब मसला ये है कि अगर टेलीविजन जो है और मेजर लीडिंग चैनल्स अगर फिर किया वो 20-25% जो है वो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग पर डिपेंड करते हैं, एंड देन जो बाकी है पाकिस्तान का एडवर्टाइजिंग की एक बहुत छोटा है, तो उसके अंदर ये है कि अगर फर्ज किया मालकान, मैं किसी गवर्नमेंट का यहाँ नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप उन कंपनीज के CEOs को बुलाएं और बड़े आराम से बताएं कि वी वुड लाइक कि आप इन टेलीविजन के साथ एडवर्टाइजिंग ना करें, उन्हें यहाँ कारोबार करना कि नहीं करना। तो अगर फर्ज किया, एक तो आपने इस तरह किया कि जो एडवर्टाइजिंग केक है उसको ब्रूटलाइज कर दिया कि जहाँ चैनल 4 या 5 चलने चाहिए थे, देखें ना इंग्लैंड में सिर्फ 4 या 5 चैनल हैं, अमेरिका के अंदर दे आर मल्टीपल चैनल्स, बट पीपल इज कैनॉट टॉक अबाउट नॉट मोर देन 3 or 4 चैनल्स बिकॉज अमेरिका इज अ ह्यूज कंट्री। तो जो चैनल्स ईस्टर्न सी बोर्ड पर देखे जाते हैं वो वेस्टर्न सी बोर्ड पर नहीं देखे जा सकते। ठीक है ना, जो CNN हम देखते हैं वो CNN अमेरिका में नहीं है, जो ABC मतलब यहाँ को देखता नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर चलते हैं NBC, उसी तरह CNN मतलब इंग्लैंड के अंदर अगर फिर उसके BBC है या Sky है, उनका जो नेशनल एजेंडा है वो और है। हमारे यहाँ देर इज़ नो नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा, हमारे यहाँ लोगों को इंटरनेशनल एजेंडा का पता नहीं है अनलेस के वो बताया जाए। तो उस सूरत में जो आप कह रहे हैं कि क्या जो है डिस्कस होता है, क्या होना चाहिए था, और आप जो है वो चीज़ निकल के वो सोशल मीडिया पे चली गई है, वो इस वजह से चली गई है कि एक तो जिन लोगों को निकलवाया गया वो चूँकि जर्नलिस्ट थे वो चुप तो नहीं हुए, टेक्नोलॉजी हेल्प देम कि वो अपने जो है चैनल्स स्टार्ट कर दें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, और चूंकि जिस तरह की मोनेटाइजेशन शुरू हुई थी उन्होंने पता लगा कि ओहो इसे तो बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसमें ये हुआ कि फिर उन्होंने बाज़ औक़ात तो आप ये देख लेंगे जो खबर है उसके ऊपर व्यूज़ नहीं होते, व्यूज़ पे व्यूअर्स बनते हैं। तो अगर फर्स्ट ओपिनियन के ऊपर, तो अगर आप जो है मुसलसल एक रैंट कर रहे हैं रोज़ और वो रैंट देखने वाले या उससे जुड़ने वाले लोग जो हैं वो आपको देखना शुरू करते हैं, और अगर आपको पता लगे कि आपको जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यू आर एक्चुअली अर्निंग एनीथिंग बिटवीन $5,000 से लेके यू नो $50,000 तक, देर आर पीपल हु पे अर्निंग दैट मनी, तो उस सूरत में ये हुआ कि सारे लोगों ने,
और फिर कंट्रोल इतना वीक था कि टेलीविजन, ये पहले कभी नहीं हुआ था, ये नहीं हो सकता कि आप टेलीविजन पे एंकर भी हों और आपका अपने प्रोग्राम भी हो सोशल मीडिया पे. बीबीसी डज नॉट अलाउ दैट. बीबीसी डज नॉट अलाउ इट्स मेन एंकर्स टू इवन रन देयर ट्विटर हैंडल्स. सर, जो सोशल मीडिया जर्नलिज्म की हमने बात की, सोशल मीडिया जर्नलिज्म हैज प्रेजेंटेड अ ह्यूज गैप इन दोज एडिटोरियल चेक्स जो पहले जा रहे टीवी पे. कुछ फारसी सही, बट there was a visage of editorial checks and there was a process to it. Now anyone with a phone, and that's literally everyone in the country, wo uth ke jana journalist ban jayega, aur fiction is now fact, and koi there is no bar, there is, you can't outlaw it, you can't you know, aap usko us cheez ko curtail nahi kar sakte from anyone getting up saying anything, presenting it as a fact to billions of people. And then obviously there is this whole chain of reactions to that information. I understand your generation's skepticism towards adaptation of social media in news media, but do you not think ke, since hum na usko outlaw kar sakte hain, na hum usko rok sakte hain, na hum logon ko rok sakte hain ki ji aap apne aap ko journalist ki tarah portray na kare, us pe koi parcha nahi hota, koi is tarah ki cheez nahi hai. Do you not think that bringing quality conversations, yeah, bringing those editorial checks and ek parallel digital structures news channels ke create hame to kuch time pehle karne chahiye the, so that jo chunk satellite pe dekh raha tha usko credible samajh raha tha, wahi logo uske sath aap social media pe wo cheez communicate karna shuru kar dete, so that people like us would have alternatives. Matlab we don't have to rely on a vlogger that has no background. मुझे अगर वही टी वी चैनल जो है या उसका कोई एक सिमिलर स्ट्रक्चर वहाँ पे नजर आ रहा है, दैट आई नो वुड हैव एन एडिटर बिहाइंड देम और प्रोड्यूसर बिहाइंड देम और डायरेक्टर न्यूज़, डू यू नॉट थिंक वी शुड हैव डन दैट अ व्हाइल अगो? देखिए, उसमें बात चीज़ें जिसके बारे में वी हैव टू बी वेरी क्लियर. सोशल मीडिया पर जो लोग बैठे हैं, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग न्यूज़, दे आर प्रोड्यूसिंग कॉमेंट ओपिनियन. अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द डेफिनेशंस कि वॉट इज अ जर्नलिस्ट एंड वॉट इज अ ब्रॉडकास्टर. ठीक है ना, तो ब्रॉडकास्टर जो है उसके पास तो अब देखे ना, अगर एक आपके पास स्मार्टफोन है तो दैट मीन्स यू आर रनिंग विद अ टेलीविजन इन योर पॉकेट. यू कैन रिकॉर्ड एनी डेवलपमेंट एंड यू कैन ब्रॉडकास्ट इट. उस पर कंट्रोल किसी का नहीं है. तो जो आपकी बात है ना, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ कैओटिक सोसाइटी, डेमोक्रेसी हो सकता है, मुझे बाज लोगों के मेरी इस तारीफ से जो है वो दुख पहुँचे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मोहब्बत है कि हम कभी ना कभी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेंगे. दादा, सोसाइटीज़ में जहाँ काम जो है वो कानून के मुताबिक होता है, वहाँ पे स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं होती. स्टेट इज़ ऑलवेज डिक्टेटोरियल. जिस दिन स्टेट डेमोक्रेटिक हो जाएगी ना, तो वो यही होगा जो हमारे यहाँ हो रहा है कि वो हर बंदे से मशवरा करना है, उनको हमने समझाना है. उन्होंने कहा नहीं, रूल्स मौजूद है ना. तो अगर फ़र्ज किया रियासत के पास अपने जो रूल्स लिखे हुए, या तो वो उसमें लिखे ना हो, देखें ना पाकिस्तान के पीनल कोड के अंदर डेफिमेशन की डेफिनेशन है, उसकी सज़ा है. लाइबल की डेफिनेशन है, उसकी सज़ा है. स्लैंडर की डेफिनेशन है, उसकी सज़ा है. मैं आपको दूसरी मिसाल दे देता हूँ कि रोज़ टेलीविजन पे आप कोई ना कोई ज़रूर खबर देखेंगे किसी क्राइम की, और ये FIR की कॉपी हासिल कर ली है चैनल ने. यानी आप उस चीज़ को जो इलीगैलिटी है, यानी जो 1934 का क्राइम एक्ट, जो पुलिस एक्ट है, इट क्लियरली डिफाइंस कि FIR जो है वो मीडिया के साथ शेयर नहीं होगी. इट्स अ क्लोज डॉक्यूमेंट, इट्स एन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर द पुलिस टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग. लेकिन अगर फर्ज किया मेरे पास पावर है, मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँ FIR के अंदर, लेकिन अगर फर्ज किया वो FIR की कॉपी मीडिया के पास चली जाएगी, वो बगैर किसी रिसर्च के वो चला देगा कि तलहा ने ये क्राइम किया. छः महीने के बाद पता लगेगा तलहा वहाँ था ही नहीं. लेकिन जो तलहा की बदनामी हो चुकी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, हमारे मीडिया के ऊपर, ऑन द बेस ऑफ समथिंग विच वॉज नॉट राइट टू स्टार्ट विद, लेकिन वो मीडिया कर रहा है. तो ये जो आपकी बात है ना, देखें ये जो सारी की सारी, अगर फर्ज किया एक लश्कर है उन लोगों का जिनको अपने प्रोफेशन का नहीं पता, और फिर वो बॉडीज़ हैं जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने रेगुलेट कैसे करनी है, तो फिर रियासत जो है ना वो इसी तरह चलेगी जिस तरह हमारे यहाँ चल रही है. देयर आर सर्टेन नेशनल नैरेटिव्स जो कि हमें अब तक 70 ईयर्स ऑफ आवर प्रोपेगेशन इंडस्ट्री, हमें कुछ ना कुछ अचीव कर लेना चाहिए था उसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव नेवर बीन एबल टू फॉर्म और प्रोपेगेट अ कोहेसिव नैरेटिव ऑन कश्मीर. वी हैव नेवर बीन एबल टू टेल द वर्ल्ड आर कॉन्ट्रीब्यूशन इन
काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म नहीं बता सके. हम आज तक एक जो पीस कीपिंग एफर्ट्स हैं हमारी इंटरनेशनल, हम उनको नहीं हाईलाइट कर सके. हम जो दूसरे मुल्कों में डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स करते हैं उनको नहीं हाईलाइट कर सकते. कुछ भी पॉजिटिव हम अपना नाम हमारे सब कुछ जाती हो रही है ना, वो हम पॉजिटिवली हाईलाइट कर सकें ना हम कोई नेशनल कोहेसिव नैरेटिव एक दुनिया को दे सकें. वट इज़ रॉन्ग विद आर नैरेटिव मशीनरी? क्या प्रॉब्लम है? सॉफ्ट पावर का इशू है, डिसीजन मेकिंग का इशू है, स्ट्रक्चरल इशूज हैं, इंटेंशन की कमी है, क्या मसला? ये बड़ा लोडेड सवाल है, मुझे नहीं पता कि आप उसका जवाब जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे. सर प्लीज़ कर. देखिए, अगर तो हमने जो जितने मसाइल आपने जिक्र किया इनका, उसके ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू है. ये नहीं हो सकता कि टेररिज्म आपके मुल्क के अंदर हो रही हो और उसमें हेल्प आपको दूसरा करे आगे, ठीक है ना. अब पिछले 40 साल से मतलब हम शिकार हैं एक इतने बड़े प्रॉब्लम का जिसके अंदर मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज केम टू आर कंट्री. हमारा मुआशरा जो है उसके अंदर लॉन्ग टर्म डैमेज हुआ है सोसाइटल फैब्रिक को, ठीक है. लेकिन वो मसला सॉल्व नहीं हुआ, और वो सॉल्व इस वजह से नहीं हुआ कि वी वर ट्राइंग वन टू सॉल्व इट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ अदर्स, ठीक है ना. तो अगर जो दूसरे लोग हैं वो अपनी विशेज को चेंज कर लें या मॉडिफाई कर लें और हम एक डिलीवरी सिस्टम के तहत काम कर रहे हों, इसका मतलब हमने तो सोचा नहीं था. हम तो किसी की ख्वाहिश के मुताबिक एक मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे. सर माई क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द आर फेलियर टू बिल्ड अप अ नैरेटिव, एक कोई सिंगल कोहेसिव नेशनल नैरेटिव जो हम पहला. हमारा नैरेटिव है नहीं ना, इसलिए कि ये इश्यूज हमारे नहीं है. अगर इश्यूज हमारे होंगे ना तो फिर नैरेटिव हमारा होगा. सर लेट्स से अक्रॉस द बॉर्डर हमारे में मडस्लिंग हो रही है, उनका नेशनल मीडिया जो है ठीक है, उनके यहाँ जो लोकल पॉलिटिकल लेवल पे भी पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी पब्लिक इंटरेस्ट सब्जेक्ट. बट इंडियन चैनल्स के ऊपर सारा दिन अगर हमें लेट्स सपोज हमें लेबलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पर हो रही है. अब उनका डिजिटल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, वेरी इफेक्टिव, उसके साथ कारण वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ काउंटर रेटरिक. वाई? मेरा फिर सवाल यही है कि देखें जो कुछ वो कर रहे हैं वो यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे सिर्फ उस वक्त पता लगेगा जब मैं इंटरेस्ट होगा मेरा कि मैं जाकर देखूँ कि वो अपने अवाम को हमारे बारे में क्या बताना चाह रहे हैं. तो अगर फर्ज किया उस मुल्क ने ये फैसला कर लिया हो कि फॉर एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स हम पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, हम पाकिस्तानियों को ब्लॉक करेंगे, हम पाकिस्तानियों को डिफेम करेंगे, हम पाकिस्तान को डिफेम करेंगे, और उससे हमें इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की प्रेजेंस थी उसको शायद रप्चर करने में मदद मिले, तो ये देखेंगे हम कि क्या उसमें वो कामयाब हुए या नहीं हुए. मेरे ख्याल में उनको काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है इस वजह से कि एक तो उनके प्रोग्राम्स जो हैं वो एक बाज़ुकात दोनों ज़ुबानों में हैं. उनके जो मेजर चैनल्स हैं दे प्रोड्यूस प्रोग्रामिंग इन इंग्लिश एंड उनकी जो वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस हैं हिंदी में है चाहे नीचे तमिल में है या तेलुगु में है या जिसमें भी है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ ख्वाहिश बड़ी थी कि हमारा नैरेटिव दुनिया को पता लगे. उन्हें का वो इसलिए पता नहीं लगेगा कि वो आपका नैरेटिव नहीं है. फिर मेरा पॉइंट वही है कि अगर आप दुनिया को दुनिया की ख्वाहिश के मुताबिक अपना नैरेटिव बताने की कोशिश कर रहे हो, आप उस नैरेटिव पर खड़े तो हो ना. अगर फर्ज किया इफ़ यू स्टार्ट स्लिपिंग किसी एक नैरेटिव के ऊपर, आप ये नहीं कह सकते एक ही फिक्रे के अंदर कि हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी हैं और हमें 180 बिलियन का नुकसान हुआ है, तो जो नेचुरल जो आदमी बैठा होगा वेस्ट के अंदर वो सोचेगा उसने कहा यू बेसिकली पुटिंग अ प्राइस टैग ऑन योर वॉर डेट, ठीक है ना. ये किससे मांग रहे हैं आप 180 बिलियन? योर इकॉनमी, इफ़ यू आर लूजिंग मनी थ्रू इकॉनमी सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर इकॉनमी विद योर गवर्नेंस नॉट द वे यू आर लूजिंग योर मैन एंड मटीरियल. तो सवाल ये कि सवाल तो गवर्नमेंट्स के लिए है ना कि अगर फर्ज किया आपका जो नैरेटिव है वो चेंज हो जाता है, अगर फर्ज किया एक ही नौयत का काम जो है उसका आप नाम 3 या 4 साल के बाद चेंज कर देते हैं बिकॉज द पीपल हु आर नाउ इन पावर वो अपना स्टैंप लगाना चाहते हैं ऑन एनी पॉलिसी, ठीक है, और उसका नाम चेंज कर देते हैं और वही कहें ये कामयाबी है, ठीक है, तो फिर तो हमारा नैरेटिव कोई नहीं खरीदेगा. और दूसरी चीज़ ये है कि देखें पाकिस्तान जो है सैडली कोई हमें अलहदा करना चाहता था ये नहीं करना चाहता था. पाकिस्तान इज़ नॉट यू नो लिंक्ड विद द वर्ल्ड द वे इट शुड हैव. 24 करोड़ का मुल्क जो है वो छोटा मुल्क नहीं होता, ठीक है. वी आर यू नो वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, काम कर रही हैं या नहीं कर रही और बात है. 24 करोड़ लोगों ने रोटी खानी है कि नहीं खानी, ठीक है ना. तो सवाल ये है कि अगर फर्ज किया हम उन 24 करोड़ को नहीं बेच सक रहे एज एन इकॉनमी, तो कंपनियाँ आके यहाँ लगाएं ना मतलब फैक्ट्रियाँ, वो क्यों नहीं लगा रही?
इसलिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उन्होंने तो ठीक नहीं करना, वो हमने करना था ना। तो हर इशू जो है वो दूसरे इशू से जुड़ा हुआ है। अच्छा सर, आपने कहा इंडियन चैनल्स की बात करते थे, आपने कहा कि वहाँ पे बायलिंगुअल ट्रांसमिशन होते हैं बेसिकली, बायलिंगुअल मल्टीलिंगुअल है, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी कह रहे हैं, इंग्लिश में भी कह रहे हैं, हिंदी में भी कह रहे हैं हमारे यहाँ। उसके बाद आपने कहा कि हमारे यहाँ ख्वाहिश थी एक इंटरनेशनल नैरेटिव मशीनरी की। आपने सर न्यूज़ लॉन्च किया 1990 में एंड यू बीन एसोसिएटेड विद अदर इंग्लिश पब्लिकेशंस इन पाकिस्तान। डॉन 47 से पहले से चल रहा है, डॉन चल रहा है और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैव बीन वाइल्डली सक्सेसफुल। अब नाउ देयर इज अ डिक्लाइन, बट सो ये रेटरिक लेना जो इंग्लिश चैनल के फॉरेन मालकान लेते हैं कि अंग्रेजी को सुनता नहीं है, तो ये रेटरिक तो इज़ नॉट ट्रू देन, बिकॉज हमने यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को 70 साल से प्रिवेल करते हुए देखा है एज क्रेडिबल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस मॉडल्स का प्रॉब्लम है या इंटेंशन का प्रॉब्लम है या देर आर अदर फैक्टर्स एट प्ले दैट वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप और सस्टेन वन सिंगल इंग्लिश चैनल टू आवरसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम पीटीयू वर्ल्ड। लेकिन ज़रूरी नहीं था कि इंग्लिश लैंग्वेज में चैनल चलाए जाते। एक तो ख्वाहिश जो है वो हमेशा स्टेट और स्टेट के बाद अदारों की हमेशा रही है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो बाहर सुने। लेकिन आप चूंकि खुद मीडिया के सुन रहे हैं कि देखें, अगर फर्ज किया किसी एक पॉइंट ए से, किसी बस डेपो से अगर 20 बसें चलें और पॉइंट जी तक पहुँच जाएँ, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक पॉजिटिव स्टोरी है। इसलिए कि दरमियान में एक बस जो है ना वो हादसे का शिकार हो जाए तो वो खबर बनती है, 19 बसें जो हैं वो खबर नहीं होती, वो एक्टिविटी है, रूटीन। तो उस सूरत में जिस वक्त ये ख्वाहिश थी कि चैनल चलाए जाएँ, तो स्टार्ट में इस तरह की सीरियस कोशिश हुई थी। कुछ तो वो क्रिपल हुई इंटरनल मैकेनिज्म्स के, इस वजह से कि यहाँ पे उन्होंने लोगों ने कहा कि रेटिंग का मामला है। अभी देखें पाकिस्तान के वो चैनल्स जिनकी रीच पाकिस्तान से बाहर थी, उनके पाकिस्तान से बाहर ऑफिस हैं, दे कुड हैव स्टार्टेड देयर प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज में। उसमें होता ये कि पाकिस्तान कुड हैव क्रिएटेड ब्रिजेस बिटवीन इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट कि आप एक प्रोग्राम वॉशिंगटन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब गुड बैड रीजन, एक अमेरिकन सेनेटर का जो बयान है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम के बयान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये फ़लाने सेनेटर ने कहा कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन के तहत, दूसरे ने कहा कि नहीं इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरली सॉल्व कर, वो लीड स्टोरी बन जाती है। तो अगर फर्स्ट एक प्रोग्राम वॉशिंगटन से कर रहे होते, एक लंदन से कर रहे होते, एक ब्रसल से कर रहे होते, अगर आपने वेस्ट के साथ जोड़ना, ठीक है ना, कितने चैनल ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसे लोग हों जिनकी स्किल सेट हो कि कल को फर्ज किया इफ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, तो कल हम बीजिंग से एक प्रोग्राम स्टार्ट करें और वो चाइनीज में हो, ठीक है ना। तो कितने लोग यहाँ चाइनीज बोलते हैं, लेकिन निज़ाम यहाँ अंग्रेजी के अंदर चल रहा है ना। जो स्टेट चलाने वाले लोग हैं वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को पसंद करते हैं, आते नहीं है ज़्यादातर लोग जो इस वक्त अभी भी पाकिस्तान में 75 साल के बाद जो हुकूमतें चला रहे हैं, ये जिनको हम मजाक में कहते हैं कि ये पीले स्कूलों से पढ़े हुए आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के, चाहे वो सरकारी अफसर हों चाहे फौजी अफसर हों, लेकिन उनकी ख्वाहिश ज़रूर होती कि वेस्ट के साथ जोड़ा जाए। तो जब जब प्रोग्राम स्टार्ट किए गए इस तरह की एफर्ट हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी वो तो अंग्रेज़ी का प्रोग्राम है, उस पर तो अंग्रेज़ बैठे होते हैं सर, यहाँ कितने लोग सुनेंगे उनको। मैंने कहा भाई सुनने की बात नहीं है, इस तरह होगा ना कि दो लोग उनके बैठे होंगे, दो लोग हमारे बैठे होंगे, ठीक है ना। वो प्रोग्राम वहाँ पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वहाँ उसको हो सकता है सिर्फ 1.3 मिलियन लोग देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका मैसेज तो रोज़ जाएगा ना। वो चीज़ें एफर्ट तैयारी हुई, एक साल प्रोग्राम चला, दो साल तक स्टेट के सपोर्टेड प्रोग्राम्स कहीं नहीं चलते अनलेस कि स्टेट फुली ऑपरेशनल हो इंटरनेशनल लेवल पे। हम सैडली हैं उस तरह वो काम नहीं कर रहे, मतलब हम बीबीसी को देखते ज़रूर हैं हमारे कि बीबीसी की तरह के चैनल हो। रिसेंटली रिसेंट हिस्ट्री के अंदर अगर फिर इसके बाद मिडल ईस्टर्न चैनल जो हैं या बाज़ टर्किश चैनल, उनकी रीच जो है वो वेस्ट तक पहुँची, बाज़ बंद हुए बाज़ नहीं हुए। ईरान ने कोशिश की अपना चैनल चलाने की, बंद हो गया थोड़े ऐसे चलने के बाद इंटरनेशनली। हमारी भी कोशिशें होती नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो दोबारा से चीज़ है कि सारा वक्त टॉक बेस्ड प्रोग्राम नहीं चलेंगे, आपको ये मुल्क दिखाना पड़ेगा, आपको इसके जो प्रॉब्लम्स है ना वो ओपनली डिस्कस करने पड़ेंगे। हम अभी भी हमारी दिल ये होता है कि हम जो प्रोग्राम्स हैं उसको स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करें। यह हमें देखना पड़ेगा तला कि हम दुनिया के अंदर हमारी जो पोजिशन है वो उस तरह जिस तरह हम प्रेजेंट कर रहे हैं या उस तरह जिस तरह वो परसीव कर रहे हैं।
ठीक है ना, उनके अपने मैकेनिज्म हैं, लेकिन हमने कोई कोशिश नहीं की मीडिया के ज़रिए इस दुनिया के साथ जुड़ने की। आपको एक मिसाल देता हूँ, यूक्रेन में जंग चल रही है, सवाय जियो के, यानी आई सेंट माय कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम ब्रसल्स टू यूक्रेन, और तो किसी चैनल ने बंदा नहीं भेजा वहाँ पे। क्यों? हमारा बंदा हमारा पर्सपेक्टिव दे रहा था कि वॉर किस तरह जो है इलाकों को तबाह करती है, लोग किस तरह यूरोप के अंदर, वो इलाका यूरोप के अंदर ही है, किस तरह जो इंटरप्ले है नेटो का और उसके बाद रशिया का वो प्ले अप कर रहा है, किस तरह जो पाकिस्तान अभी तक गंदम खरीदने की कोशिश कर रहा है उन मुल्कों से जो जंग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वी कुड हैव सीन फाउंड स्टोरीज जो हमारे इंटरेस्ट की स्टोरीज होती फ्रॉम अ वॉर जोन विच वॉज नॉट आवर जोन, वॉर जोन, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा किसी चैनल के, जितनी दुनिया की खबरें हैं वो हमें वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज ने देनी है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, दिस वाज अ रिवेटिंग डिस्कशन, एंड ऑब्वियसली टॉपिक्स लाइक दिस कैन बी कवर्ड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट इट्स अ स्टार्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।